क्यों छोड़ा मां? बोले सत्संग का प्रभाव पड़ गया। संत की वाणी को सुनकर मेरा मन हुआ कि बचपन में हम बीड़ी नहीं पीते थे, संत जी कह रहे थे तब जिंदा थे, और बचपन में चेहरा कितना सुंदर था, ज्यों ज्यों उम्र बढ़ी सब नशा करने लगे तो चेहरा बंदर हो गया। एक्सीडेंट हो जाए, हॉस्पिटल में रहो, आईसीयू में रहो, तो भी ओह छह महीने लोग बीड़ी नहीं पीते हैं, दारू नहीं पीते हैं हॉस्पिटल में। जेल में 10 साल बंद रहते हैं तो भी दारू नहीं पीते हैं। वहां कहां मिलती है अफीम, दारू, इस्माइक। संत जी ने समझाया, जब जेल में दारू नहीं पीते हो जिंदा रहते हो, हॉस्पिटल में भर्ती होकर शराब नहीं पीते, अफीम नहीं खाते, जिंदा रहते हो, बीड़ी नहीं पीते, तो घर में भी यदि दारू न पियो, अफीम न खाओ, बीड़ी न पियो, तो जिंदा नहीं तो नई जिंदगी की प्राप्ति हो जाए। बेटा, मैं तो संत वाणी सुनकर वही छोड़कर आ गई हूं। बोले मां, तूने तो गजब कर दिया। तो बेटे ने कहा कि मां, सच पूछो, मैं तो तुझे समझाते समझाते थक गया था, तो मैंने सोचा जब किसी के समझाने से इंसान नहीं समझता है तो अंत में समझाने वाला केवल सत्संग होता है, और सत्संग में जो समझ जाता है वो सुखी हो जाता है, और सत्संग से भी नहीं समझता है फिर वो बहुत दुख पाता है। निवेदन करूंगा कि आज मांस मछली अंडा नशा शराब बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू अफीम भांग गोटा, ये सब इसकी आदत मुझे दान दे देना, और साल भर में इसकी जो बचत हो उसकी बचत में अगले साल 2017 में प्रोग्राम फिर से करा देना। पूरा बचत मत लगाना, क्योंकि एक एक आदमी 100-100 रुपए की दारू पी रहा, 200-200 की, तो साल भर में 36,000 बचेगा। अगर 100 घर के लोग पी रहे हैं तो 36 को 100 से गुणा करो, 36,000 को 100 से, 2 जीरो और बढ़ा दो, ठीक से जोड़ लो, चूक मत जाना है। 36,000 को 100 से गुणा करना, 36,000 को 100 से, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 36 लाख हुआ। देखो पैसा भी मार ले गए लोग, 36 लाख का 360,000 बताया है, 36 लाख बचेगा, जिसमें आधा पैसा आप अपने घर में लगा दो तो 18 लाख बचा, 18 लाख में और आधा अपनी बेटी के यहां पहुंचा दो तो बचा 9 लाख, 9 लाख लगाकर मेरा सत्संग करा दो तो कम से कम 3 जिले में प्रचार हो जाए। वही पैसा बीड़ी में खींचकर धुआं में उड़ा देते हो, शराब पीकर तुम, और जिंदगी स्वतंत्र है, कुछ भी पी सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, कहीं भी पड़े रह सकते हो, हर व्यक्ति की लाइफ फ्रीडम है। आप दारू पीकर सड़क किनारे पड़े रहो, किसी से क्या मतलब है? जिनसे कोई मतलब नहीं, वो भी जब सड़क किनारे किसी दारू पीने वाले को पड़ा हुआ देखते हैं तो 2-3 किलोमीटर तक उसको गाली देते हुए चले जाते हैं, कहते हैं नालायक दारू पीकर पड़ा है, पड़ा रहने दो। आप दारू पीकर इस शरीर को बर्बाद करो, ये तो मंदिर है भगवान का शरीर, ये देवालय है, ये देह नहीं देवालय है,
ये खाली शरीर नहीं शिवालय है, और इसको दारू पीकर बर्बाद ना करो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवताओं को दुर्लभ जो मनुष्य शरीर था वो हमें आपको मिला है। देवी देवता इस इंतजार में थे कि हमको मनुष्य का शरीर मिल जाए, वो शरीर हमें आपको मिला है। उस शरीर को पाकर हम राक्षस जैसी जिंदगी जी रहे। राक्षस कौन है मैं बता देता हूं। भवानी ने शिव जी से पूछा है बालकांड में रामचरितमानस में कि प्रभु राक्षस कौन है, तो शिव जी कह रहे हैं, खाई कबाब शराब सरोजा, निस दिन पर नारिणी का खोजा। राक्षस के लक्षण वर्णन कर रहा हूं। खाई कबाब शराब सरोजा, निस दिन पर नारिणी का खोजा। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवावै सेवा। मन ही मात पिता नहीं देवा, साधन से करवावै सेवा। जिनके यस आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। वाह वाह, बोलो गाओ। जिनके यस आचरण भवानी, निश्चर सम प्राणी। खाई कबाब शराब सरोजा। बहुत सुंदर चौपाई, शिव भगवान कह रहे हैं। सोचो शिव जी कितने शाकाहारी होंगे। खाई कबाब शराब सरोजा, निश दिन पर नारिणी का खोजा। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवावै सेवा। जिनके यस आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। जिनके यस आचरण भवानी, हे पार्वती, ते जानो निश्चर सम प्राणी। कौन है निशाचर? शिव जी कहते हैं जो मांस खाता। कबाब माने मांस। सरोजा माने जो अंडा खाता है। और शराब जो पीता है, जो पराई स्त्रियों को छेड़ता है, जो माता पिता को सताता है, जो भक्ति भाव नहीं रखता है, देवी देवताओं को भी गाली देता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं देवी देवताओं को भी गाली देते हैं, बड़े दुष्ट हैं। राम के समय में राक्षस तो लंका में होते थे, लेकिन आपके समय में राक्षस तो इंडिया में ही होते हैं और हर गांव में होते हैं, और कभी कभी तो घर घर में राक्षस है। बाप देवता है, मां देवी है, बेटा देवता है, नाती पोता राक्षस बन गया है। कबाब शराब सब खाना पीना, ऐसा वैसा खान पान मत कर। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। आपका दांत टूट जाता है तो दांत क्या है? वो हड्डी है। उस हड्डी को, उस दांत को, अपने ही दांत को, जिस दांत को 100 साल 80 साल तक मुंह में ही रखते हो, लगा रहता है, लेकिन टूटने के बाद उसको 10 मिनट भी मुंह में नहीं रखते,
और जहां से दांत टूटता है वहां से खून आता है, उस खून को भी तुम घूंटते नहीं हो, पानी से कुल्ला कर कर फेंक देते। लेकिन धिक्कार है उन लोगों को कि जो बकरे की हड्डी को मुंह में रखकर चबाते हैं और बकरे के खून को चूसते हैं, अपने दांत की हड्डी से घृणा और बकरे की हड्डी से इतना प्रेम, हद हो गई। मत चाटना बकरे की, ये बकरा भैंसा गाय बैल घोड़ा गधा खाना, मनुष्य के खाने के लिए तो सेब संतरा केला काजू किशमिश बादाम अंजीर चिलगोजा दाल चावल सब्जी रोटी दूध घी शक्कर श्रीखंड बहुत आइटम है, फिर भी इस आदमी को धिक्कार है जब घर में कोई मर जाता है तो उस मुर्दा को शमशान में दफन करके फिर स्नान करके तब घर में आता है, लेकिन बाहर जानवर को मारकर मुर्दा बनाकर घर लाकर रसोई में पकाकर अपने पेट में दफन करता है, इसको धिक्कार है। कितने लोगों का पेट तो शमशान घाट कुछ मांस मछली खाने वाले लोग कहते हैं अगर इनको हम नहीं खाएंगे तो इनका क्या होगा, कहते ये तो हम विशेष दया करते हैं इनका सदुपयोग कर रहे हैं, इनका होगा क्या। तो उनसे मैं भी पूछना चाहता हूं कि आपके पिताजी मर गए हैं अब उनकी लाश का क्या होगा, तो टांग काट कर खाओगे क्या कि पूरे गांव में एक एक किलो काट काट कर बांटोगे, सबको बांट दो और कहो इसका क्या होगा, आप तो मर ही गए हैं। तो वो आपके पिता हैं इसलिए उनको कफन में लपेट कर ढोल बजाते हुए दफन करते हो, लेकिन ये गाय तुम्हारी माँ है, ये बैल ये भैंसा ये भैंस ये जानवर जो खेत में जुताई करके काम करके तुम्हें अन्न पैदा करके देते हैं, ये भी कोई पेट पालक पिता है, और ये भैंस घास भूसा खाकर तुम्हें दूध पिलाकर बलवान बनाती है, ये भी माँ है, इसकी भी रक्षा करो। हिंदुओं ने गाय को माँ कहा है, हिंदू लोग मानते गाय माँ है। तो मैंने एक हिंदू से पूछा कि गाय माँ है तो बकरी कौन है तुम्हारी, तो बोले बकरी से रिश्तेदारी मैंने जोड़ा नहीं। बोले जोड़ लो ना, तो बोले उससे रिश्ता जोड़ूंगा तो फिर खाऊंगा क्या। मैंने कहा बकरी जो है वो नाती पोता है और भैंस तुम्हारी नानी है और बड़ी है उससे, तो बोले बात तो आपकी सही है, रिश्ता जो बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है तिनका कौन हवाल। बकरी पत्ती खाती है तो उसकी तो खाल काढ़ ली जाती है, लोग खाल निकाल लेते हैं, और जो लोग बकरी को ही खाते हैं तो बकरी कहती है कि उनका क्या हाल होगा। सोचो मैं तो पत्ती खाती हूँ घास पत्ती तो मेरी तो खाल काढ़ ली जाती है, और जो लोग मुझको ही खा जाते उनका क्या हाल होगा। बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है तिनका कौन हवाल। आपका जन्म किसी जाति में हुआ हो किसी मजहब में हुआ हो, लेकिन याद रखना कोई मजहब नहीं सिखाता, कोई धर्म नहीं सिखाता, कोई जाति नहीं सिखाती कि हिंसा करो। हिंदुओं के धर्म ग्रंथ सिखाते हैं दया करो, मुस्लिम ग्रंथ सिखाते हैं रहम करो। रहम और दया का अर्थ एक ही होता है, और कबीर सिखाते हैं
कबीर उस व्यक्ति का नाम है जो एक तरफ से देखो तो हिंदू भी लगता है, दूसरी तरफ से देखो तो मुस्लिम दिखता है, तीसरी तरफ से देखो तो ना हिंदू है ना मुस्लिम है, केवल इंसान दिखता है, और श्रद्धा से देखो तो कबीर एक महान संत दिखता है। कबीर क्या कहते हैं? बहुत बड़ी बात कहते हैं। कबीर कहते हैं, रहम है जिसके दिल अंदर रहमान वहीं पर रहता है। रहम है जिसके दिल अंदर रहमान वहीं पर रहता है, और रहम न जिसके दिल अंदर शैतान वहीं पर रहता है। बहुत बड़ी बात कबीर कहते हैं। कबीर कहते हैं, रहम दिल बनो। हिंदुओं ने कहा है कण कण में राम है, मुसलमानों ने कहा है जर्रे जर्रे में खुदा है। आज मैं निष्पक्ष बात करना चाहता हूं, अगर कण कण में राम है तो बकरी और मुर्गी में क्या राम नहीं है? वो तो बहुत बड़ा कण है, उसमें भी तो राम छिपा हुआ है। उसको मारोगे तो राम मर जाएगा, पाप लगेगा। और जर्रे जर्रे में खुदा है तो गाय और भैंस में क्या खुदा नहीं है? वो क्या खुदा से जुदा है? वो तो जर्रे से बड़ा जर्रा है, उसके अंदर भी खुदा है, इसलिए उसको भी मार नहीं सकते। अच्छा तो जीव दया और आत्म पूजा कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। जीव दया और आत्म पूजा, आओ से गाओ। जीव दया और आत्म पूजा कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। जीवों पर दया करना, आत्मा की पूजा करना, इंसान की सेवा ही भगवान की सेवा है। इंसान से प्रेम रहमान से प्रेम है। धर्म की परिभाषा को ठीक से समझना, अतिथि का सत्कार करना, माता पिता के आदर को बढ़ाना, हर बेटा अपने माँ बाप की संपत्ति का वारिसदार बन जाता है। लेकिन ऐसे कोई बिरले लाल होंगे जो अपने माता पिता के अच्छे अच्छे गुणों के, उनकी भक्ति के, उनके कर्तव्यों के भी वारिसदार बनते हैं। उनके गुणों के भी वारिसदार बनो। आपके पिताजी भक्ति करते थे, सत्संगी थे, तुमने उनका धन तो ले लिया, लेकिन भक्ति कौन लेगा? वो भी लो। आपके पिताजी दानी मानी थे, आप भी दान करना सीखो। आपके पिताजी साधु संतों से प्रेम रखते थे, अब तुम कहाँ लफंगों में प्रेम कर रहे हो? साधु संतों से प्रेम करो। धन्य है ये पलवाड़ा गांव, धन्य है यहाँ के निवासी। और याद रखना, जिस घर में एक दीपक जल जाए तो पूरे घर में उजाला कर देता है। एक बच्चा रात में रोने लग जाए तो घर चोरी होने से बच जाता है। चोर आता है, बच्चे का रोना सुनता है, चोर सोचता है बच्चा रोता है तो माँ जागती होगी, तो चोर डर जाता है और चोरी नहीं करता है। बच्चा का रोना घर को चोरी से बचा लेता है। तो अगर एक घर में एक व्यक्ति भी जाग जाए तो माया मोह की नींद सबकी खत्म कर सकता है। मुस्कराते हुए जिंदगी जीना, हंसते हंसते संसार छोड़कर विदा होना। जन्म के समय तुमने परिवार वालों को खुशियां दिया है तो उनको जिंदगी भर खुश रखना, और संसार से जब विदा होना तो तुम हंसते हुए जाना, लेकिन परिवार वाले तुम्हारे वियोग में, तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे बिछड़न में वो रोते रहे और तुम हंसते हुए विदा हो जाना। ये साहब ने सिखाया है। कृष्ण भगवान, राम भगवान,
और चाणक्य का एक प्रश्न और रह गया कि वे कौन से लोग हैं जो संसार में सदैव बिना आग के ही जलते रहते हैं, वो छह लक्षण होते उनके, तो मैं उसका वर्णन कर करूँगा लेकिन इस श्लोक आज ही बोल दूंगा। वो बहुत अच्छा श्लोक है। कुग्राम बासा कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या पुत्रश्च मूर्खः विधवा च कन्या बिनाग्निना खड प्रदहन्ति काम। इसकी व्याख्या कल करूं। दूसरा प्रश्न था कि सुख कहाँ है, काकभूषण जी से गरुड़ जी ने पूछा है, और दुख कहाँ है, इसका उत्तर अभी टूक टूक में दे दूंगा और इसका विस्तृत विस्तार में कल करूंगा। काकभूषणी जी गुरुड़ जी को समझा रहे हैं क्या। संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। काकभूषणी टूक टूक में कह रहे हैं संत मिलन के समान संसार में सुख नहीं। जैसे शकर मिल जाए तो मिठास मिल जाती है, फूल मिल जाए तो खुशबू मिल जाती है, और पानी पी लो तो प्यास बुझ जाती है और भोजन खा लो तो भूख तृप्त हो जाती है, ऐसे संत मिल जाए तो सुख मिल जाता है, सुख मिल जाता है। आज आपको मिला और क्या है, संत ही तो मिले हैं, और ये संत बिल्कुल फिट फाट संत मिले, ये टूट फाट वाले नहीं। यानी ठीक से रहनी है, एक तो ब्रह्मचारी, संत का विशेषण ये होता है ब्रह्मचारी हो, दूसरा जितेंद्री हो, तीसरा नशा व्यसन से मुक्त हो, चौथा प्रेमी भी हो, पांचवा हर परिस्थिति में सेटल हो जाता हो, छठा ज्ञान खूब सुनाता हो, सातवा खुश रहता हो, आठवां वैराग्यवान हो, राग रंग ना हो उसमें। हमारे पास तुम राग रंग नहीं पाओगे, सूखा वैराग्य प्योर माल है। नौवां जो गृहस्थ ना हो, पारिवारिक ना हो, खुद चकई के चकदम मकई के अलावा तिकड़ी तिकड़म बनाता होगा तो तुम्हारा कल्याण क्या करेगा। ऐसा हो गृहस्थ ना हो, विरक्त हो, निहंगम हो, वो सब लक्षण आपको यहां मिलेगा, एक ही काउंटर पर सब मामला मिल जाएगा। और शुद्ध पवित्र भी हो, गंदा फंदा ना हो, पवित्रता भी रखता हो, क्योंकि आप संत की वाणी से कम सीखते हो, संत के आचरण से ज्यादा सीखते हो, और संत की वाणी का प्रभाव इसीलिए पड़ता है, नहीं तो जो मैं ज्ञान की बात सिखाता हूं ये बात जानता कौन है, सभी जानते हैं, सबको पता है, बस थोड़ा सा उसको मैं शब्दों से और सजा कर उदाहरण देकर ढंग से जमा देता हूं, लेकिन आइटम सब वही है। पर क्यों प्रभाव पड़ता है, जैसे बंदूक की गोली, कारतूस जानते हो ना, कारतूस को हाथ में लेकर किसी को मारो तो इतनी भी चोट नहीं लगेगी जितनी पत्थर मारने से चोट लगती है, लेकिन उसी कारतूस को बंदूक की नाल में रख करके फिर फायर कर दो तो आदमी तुरंत मर जाता है, खत्म हो जाता है, कारतूस वही है। तो बंदूक क्या है, आचरण बंदूक है और वाणी कारतूस है। जब वाणी की कारतूस को आचरण की बंदूक में रख कर फायर किया जाता है
तो सामने वालों की बुराइयों का सफाया हो जाता है और वो सब ठीक हो जाता है। इसलिए संत की वाणी सुनना चाहिए।